और भाई क्या हाल चाल समझता है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। ये देखिए हमारे घर का रास्ता। तो मेरे भाई इसमें से दुकान अभी कैसे निकालेगा। तो मेरे भाई का तो ठेला हल्का रहता है तो निकल जाता है, बट मेरा तो बहुत भारी रहता है तो मेरे में और दिक्कत आती है। उसका हल्का ठेला भी तैयार करेगा, खड़ा सामने और निकालेगा। पूरे पैर ना स्लिप होते हैं, यही दिक्कत है यार इस तरफ। और मेरी दुकान आज भी बंद है। क्यों बंद है? बस भाई ऐसे ही नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। तो देखो मेरे भाई की दुकान लग चुकी है और मेरे पापा देखो यहाँ पे चाट बना रहे हैं। अभी दुकान लगाए हैं तुरंत ना, इसलिए टिकिया वगैरह ज़्यादा नहीं से किए अभी फ़िलहाल। तो एक दुकान खुल रही है यार, एक दुकान नहीं खुल पा रही है। देखते हैं कल से खोलूँगा। तो अभी मैं घर में हूँ, दिन में कहीं चला गया था तो वहाँ का मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाया। और बारिश आज ना सुबह से एकदम हो रही है, बारिश रुकी ही नहीं एकदम। और मैं पापा के लिए इडली लाया था, तो इडली और डोसा खा रहे हैं। अब बोलते हैं खाना नहीं खाऊंगा मैं। खाना क्या हो? नहीं मेरे पापा को भी पसंद नहीं आया और मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं आया। बोलते हैं ना कि जब हम लोग अनूपपुर जाते हैं ना, यहाँ से एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं तो वहाँ ज्यादा अच्छी लगती है। ये देखो इसमें पनीर वगैरह सब कुछ है, फिर भी अच्छा लगे इनको। पनीर का पनीर है, देखो पनीर है। बोलते हैं एक दो दाना में पनीर डालने से थोड़ी पनीर होता है। क्या रुपया बताइए? 40 रुपया एक। 40 रुपये डोसा, 40 रुपये का एक डोसा। और ला दे इडली भी बची है अभी, एक तो इडली जो बची है खा लेता हूँ। काय से खिला तुम? चटनी है ना, चटनी खाओ तुम। काय से खिला बाहर? ले तो ले, ले, ले लड़ाई होने लगा। ले लो सांभर पड़ा है, वो सांभर बस रोटी ने खा दियो। आज खाना कोई नहीं खाएगा। तो अभी मेरे को ना अपने भाई के रेनकोट पहुंचाने जाना है। ये मैं चाय बना दी हूँ, अदरक वाली। अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय बनवा लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ अदरक और काली मिर्च बस, गुड़ थोड़ा सो बस। हाँ गुड़ थोड़ा सा, गुड़ अदरक और काली मिर्च बस। और दूध वगैरह नहीं, थोड़ा सा ना अदरक वाला पी लूँगा तो और आवाज़ लता मंगेशकर हो जाएगी। तो अपने भाई को रेनकोट जाना है, वो लेके नहीं जाता, बारिश हो रही है सुबह से। लेकिन जब ठेला लेके जा रहा था, जब बारिश शायद नहीं हो रही थी उस टाइम। कितने दिनों से मेरा ठेला पानी में खड़ा खड़ा पूरा सड़ रहा है। और ये रेनकोट है मेरा, इसको पहन लूँगा तो जाता हूँ। अभी तुरंत उतार के यहाँ रखा हुआ था। इन लोग भी यहीं बैठे रहते हैं, यहीं पर भी बरसात में कहाँ जाएँ। चलो मैं इसको रेनकोट दे जाता हूँ अपने भाई को। तो मैं रेनकोट दे आया हूँ अपने भाई को। और हल्के हल्के ना एकदम ऐसा लगता है कि रेनकोट पहनने के बाद भी हल्का हल्का लगता है कि अंदर भींग चुका हूँ। चाय बना देगी अम्मा ने? तुम्हें क्या पता, बना दी अम्मा चाय। बनाओ चाय। इधर की हालत भी देखो पूरी गड़बड़ है। ओ भाई साहब आए देखो, आज भिंडी की सब्जी बन रही, भिंडी की सब्जी बस चाय बन रही। जम का रखे दाल चावल। ये देखो चाय आ गई है, ये देखो चाय आ गई है लेकिन इतनी काली। देखो कितनी कड़ी चाय रखी जाए, पी के देखो। मेरे पापा से बोल रहा पी लो। बाप काका डाल दो मजा में। बाप रे पूरी कड़िया रखी। तो मेरा भाई आ गया है और इसको ठंडी लग गई है और इसको भी ठंडी लग गई है। कैसे शेरू खाना खा ले, खाना खा ले। ये खाना रखा था मैं इसलिए। कैसे ठंडी लग रही है? अरे दादा रे। और तेरे को अब जाओ ले आओ कछु। ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। सो जा बेटा, सो जा सो जा। तो आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन ना मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ। देख सकते हो आप लोग, ये डब्बा रखा हुआ है, प्रसाद चढ़ाना है मेरे को। हाथ पैर धो लेता हूँ जाके और चढ़ा देता हूँ। भरी बरसात में मेरे भाई कितने की दुकानदारी की है दिखाओ। 1800। कितने आ गए? 1200 और बाकी 450 थे। कहाँ सामान में? 450 का सामान ले आया, 1200 1600 रुपए की बिक्री करी। पैसे की लड़ाई। पैसे की लड़ाई। जाओ चाय पियो चलो। अब ये चौपाटी जाएगा, पता नहीं काका खाता है चौपाटी में जाके, रोज रात को जाता है। तो दोस्तों व्लॉग के यहीं पेंड करते हैं, व्लॉग छोटे हो रहे हैं आई नो यार।
क्या करूँ ना, दुकान लगा नहीं रहा हूँ तो ब्लॉग बड़े हो नहीं पाते हैं, घर में ही रहता हूँ तो क्या करूँ घर में रह के, तो कहीं कहीं जाता हूँ तो उसका ब्लॉग आपको बना के दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या फिर कल दुकान लग सकती है मेरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिया है तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।